हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं अभी सुनूंगी कथा। मैं बच्चों का कर रही थी इंतज़ार कि वो लोग गया हुआ था बाहर में, तो सोची कि वो लोग आ जाएगा तभी मैं कथा सुनती हूँ, क्योंकि अकेली थी तो एक दो जन साथ में रहना चाहिए। नहीं है तो वैसे तो करेंगे, उपाय नहीं है, लेकिन देख रही कर रही थी इंतज़ार वो लोग का। और अभी मैं कथा सुनूंगी। और मैंने कल ये वाला मेहंदी लगाया है, ये देखिए रात में मैं लगा रही थी, तो ये मोटा मोटी मेरे को, क्योंकि इतना मेहंदी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर लेती हूँ, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो जिसको मेहंदी लगाना है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा इतना, लेकिन ठीक है, अपना लाल हाथ कर लेती हूँ। और इसमें कल वो लगाया ही था, ये मैंने दिखाया था। और अभी पूजा करके और अभी रेडी हो रही हूँ, अभी साड़ी खंड लगाया है और बालू बना रही हूँ, गीला था। तो अभी मैं कथा सुनने बैठ गई हूँ और मैं पाटा पे क्या क्या जचाया है मैं वो आपको दिखाती हूँ। बच्चे आए नहीं क्योंकि उनको होगा लेट, इसीलिए सोची मैं कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा सास जैसे जैसे करती है मैं वैसा कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं, देखिए। तो ये तो है गिलास, क्या कि वो एक ठू करवा होता है, ये करवा चौथ होता है ना, देख करवा होता है वो मीठा करके जैसे, तो वो करवा तो यहाँ पे तो मिलता नहीं है, तो वो राजस्थान या हरियाणा में मिलता है, तो हम राजस्थान में रहते हैं तब तो वो करवा ले लेते हैं। लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ, ये मैंने एक गिलास लिया है, ये गिलास अभी नया मंगवाया है, नया मंगवा के इसमें मोली लगा दिया, टिक्का निकाल दिया और इसको चीनी को चीनी डाल दिया और इसमें पैसा डाल के एक बार शगुन का ऐसे ही पैसा डाल दिया है। शाम का टाइम में जब बाना निकलता है तब हम पैसा मतलब रखते हैं, ये शगुन का ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो क्योंकि मैंने एक डब्बा बना के रखा हुआ है इधर में, और सब पैसा मैं जितना भी कोई भी फेस्टिवल होता है कुछ भी होता है तो मैं सब पैसा डब्बा में डाल के रख देती हूँ मेरे सास का नाम से, तो जाके मेरे सास को दे देती हूँ। और क्योंकि धोखा के देते हैं सास को हम लोग राजस्थान हरियाणा में। और ये है पानी का लोटा, तो इसको मैंने नया मोली बांध दिया है और साथिया लगा दिया है, और तेरह टिक्का करना है ऊपर में, वो करूँगी अभी, वो नहीं किया अभी। और ये होता है एक बाटी में चावल और इसमें गुड़, तो ये एक शगुन का रखा जाता है इसमें। और ये इधर में मैंने बना दिया गणेश जी, तो गणेश जी ये उसमें सुपारी में मोली बांध के और फिर ऊपर में इनको तिलक करके और ये चढ़ा दिया है मैंने, और उसके बाद इसको गणेश जी को यहाँ पे बना दिया है। और इधर क्या है कि आज बृहस्पतिवार भी है, तो मैं बृहस्पतिवार भी करती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है पानी का गिलास भर के, और इसमें दाल और गुड़। तो साथ में ही कथा सुन लूँगी, पहले चौथ का सुन लूँगी, उसके बाद मैं सुनूँगी ये इसका सत्यनारायण भगवान का, बृहस्पत भगवान का, तो वो सुनूँगी। उसके बाद फिर मैं ये जो इसमें जो पानी रहेगा वो रात में अर्घ देती हूँ, आपको सबको पता ही होता है ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, तो उसमें रात में अर्घ देंगे। और ये अभी कोल गाछ में डाल दूँगी, और अभी कथा सुनूंगी हाथ में गेहूँ और गुड़ लेके। भाई जिसको जो करता है उनको तो पता ही है, तो ऐसे ऐसे करते हैं। और जो गांव में होते हैं तो इतना मज़ा आता है, सब लोग बैठते हैं साथ में, सास मेरा बहन मेरा और जितना आसपास का वो सब हम लोग एक साथ में बैठ के कथा सुनते हैं राजस्थान में, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक मतलब एक अलग ही इंजॉय है वो, बहुत मतलब सबके साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और अभी इधर मैं अकेली सुन रही हूँ, पाई नहीं है, तो मैंने साथ में गणेश जी को बैठाया है। और इधर में मैंने करवा चौथ का ये कथा एक कहानी ये निकाल ली है, और अभी मैं ये पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद फिर होगा एक गणेश जी का, तो उससे पहले इस नारायण भगवान का करके फिर गणेश जी का कर दूँगी, तो ये कथा सुनती हूँ। और उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर सासू माँ को कॉल करूँगी, उनको धोख खाऊँगी, और फिर उसके बाद भाई चाय तो पीती हूँ मैं, एक बार पियो दो बार पियो चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर शाम को क्या होता है मैं वो आपको दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए पूरा ब्लॉक में। और हाँ, और ये हम लोग का मेन होता है नथ और टीका, जितना सुहाग का चीज़ होता है वो सब पहनते हैं, लेकिन ऐसे मैंने सब जितना यहाँ रखा हुआ वो हम लोग पहन लिए, नया चूड़ा साड़ी वगैरह सब पहनते ही हैं। और ये ओढ़ना है, ये हमारा मेन होता है मारवाड़ियों का और राजस्थान का हरियाणा का जो भी है, तो हम लोग का मेन होता है ये। तो मैंने अभी कथा सुन ली है, और जो देखिए जिस जो करता है उनको तो पता है, ऐसा वो ऐसा नहीं है कि भाई सभी करते हैं, जो जो करते हैं
वो तो पता है, और नहीं करते वही मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, तो आप ऐसे मत सोचना कि भाई ऐसे तो करते ही हैं। तभी मैंने सुन ली है कथा, और अभी वो उसमें क्या है वो, तभी मैंने सुन ली है कथा, और कोर गाछ में भी पानी डाल दिया है, सूरज भगवान को भी पानी डाल दिया है, अर्घ देते हैं वो दे दिया है मतलब। और अभी अभी वो गेहूं जो कथा मैंने सुना था, वो गेहूं हाथ में लेके सुनते हैं, वो गेहूं मैंने बांध के ऐसे रख दिया। रात में जब अर्घ देंगे तब ये गेहूं उस टाइम में अर्घ में है देते हैं, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। और सब कथा का मेरा इधर का हो गया है, और एक गिलास रख दिया है, ये शाम ये रखा हुआ है, ये सब इधर में सब शाम को रखा रहेगा, ये शाम तक नहीं छुएंगे कोई भी। और जब शाम होगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। और पिछले और गिलास के बारे में बता रही थी, और पिछला साल का जो गिलास है वो भी रखा हुआ है, ये भी देखिए मैंने मोली बांध के सब रखा हुआ है। तो जब जाऊंगी, एक गिलास ये हो गया और एक गिलास ये हो गया है, और तब मैं जाऊंगी राजस्थान, तब सासू माँ को देऊंगी। तो तब तक रखी, मैं गई नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया गया हुआ, तो जाएंगे तब वहाँ पे ही देंगे। और अभी अभी उनको दो देती हूँ, और फिर पियेंगे चाय, और ये उठा देती हूँ, और ये सब सामान यहाँ पे रहेगा। तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ भाई। तो अब हो गई है शाम, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और बच्चे क्या कर रहे हैं तुम लोग? ये कंसु क्या किया अभी? पूजा करते टाइम पे बता दो ये क्या किया? मेरा गीला था, ये इसका हाफ पैंट पहन लिया, तो ये पूजा कर रहा था अभी बैठ के। तो अंशु जाके क्या बोलता है, अभी निकाल इधर में बैठ के निकाल, अरे पागल हो गया, बड़ा मेरा कच्चा दे और यहीं पे ही दे अभी निकाल के, इतना बदमाशी। ये देख क्या बोला तू, दे। शर्मा जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है जी। और ठीक है एकदम ठीक है, आप ठीक हो? मैं भी ठीक, और मैं भी बना रही हूँ खाना। और क्या बनाऊँ आपके लिए बताइए? तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, चांद निकलेगा तब तक बना लूंगी। और क्या बनाया है मैंने, हम लोग जब अर्घ देते हैं तो उसमें अर्घ से अर्घ देते टाइम में चूरमा का भोग लगता है उसको, तो वही चूरमा बनाया है अभी। ये देखिए अभी बना रही हूँ, और ये मेरा गाय का जो घी जो हमारा गांव से जो आया है राजस्थान से, वही घी है ये, तो घी का चूरमा बना रही हूँ। और बनाया है, और मैंने बिना, आज बृहस्पतिवार भी है तो बिना नमक का रोटी बनाया है, तो वो मैंने इसमें बना के रख दिया है। तो अभी चांद निकल गया है और मैं जा रही हूँ, ये थाली है, और थाली में क्या क्या रखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चूरमा, इससे भोग लगता है, और ये वो अनाज जो मैं सुबह में मैंने वो कथा सुना था इससे, ये गणेश जी है, ये चोपड़ा मोड़ी पानी ये लेते हैं हम लोग, चालनी उलनी नहीं लेते हैं क्योंकि मेरा सास कभी नहीं किया, तो फिर हम भी नहीं लेते, उसी हिसाब से करते हैं। अभी इतना क्लियर नहीं हुआ, बादल हो रखे, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है बाहर, निकल गया था फिर वापस चला गया, अभी वापस आ रहा है धीरे धीरे। हाँ अब आया, अब और अच्छे से आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा और अच्छा से आएगा। उससे पहले मेरे को दिख गया था क्योंकि छत पे आज बादल होके रखा हुआ है ना, छत पे आई तो ये पूरा एकदम फिर चला गया था बादल में, अभी तो आ गया, थोड़ा सा और क्लियर होने दो। तो अभी मम्मी इधर, मैं भी अरब दे रही हूँ, निकाल रही हूँ पीला। उधर 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 वो पकड़।
ये टूटा फास्टिंग ठीक है, अरग दे लिया है और मैंने चांद देख लिया है। अब देखो ना चांद क्या क्लियर आया है, अब एकदम बढ़िया से आ गया। और कर दो पहले कोई फोन तो आ जाओ हीरो सामने। उधर ले चल लाइन में आ जा। लाइटनिंग का काम है। पकड़ ये पकड़ बाल ऊपर करना है क्या करे। ये हो गया खत्म। और उधर चल रहा है आज ISL मैच नॉर्थ ईस्ट वर्सेस हैदराबाद। हम लोग घर के जस्ट बगल में स्टेडियम है, हम लोग देखने नहीं गए क्योंकि फुटबॉल का हम लोग का इतना शौक नहीं है। पिछला बार गया था देखने के लिए इसलिए इस बार मन नहीं था देखने का, लेकिन स्टेडियम बगल में तो आपको लाइटिंग दिख रही होगी, मतलब जो चारों तरफ से लाइट होती है ना इधर 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 वो सारी ऑन है। तो अभी मस्त मैच चल रहा है। अभी स्कोर फिलहाल हैदराबाद का 1 है, नॉर्थ ईस्ट का 2 है, हाफ हो चुके, मतलब पता है क्या क्या चल रहा है उधर। तो अभी और पापा लोग का भी हो गया तो अभी चलते हैं नीचे और खाना खाते हैं। फर्क दे दिया है, इतना टाइम पे दिया एकदम अच्छा से क्योंकि आज बादल होके रखा हुआ था और अभी दे दिए निकल गया बढ़िया से। तो मैं अभी निकाल रही हूँ बाना। फर्क देने के बाद हम लोग बाना निकालते हैं, जो सास को जो देते हैं पैर छू के तो वो निकालती हूँ। तो मैं इसमें वो रखा हुआ है चूरमा और इसमें पैसा और फिर ये इसको ये जो रोली से इसको ऐसे चरसते हैं और फिर इसमें बाना कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। तो इधर सबका खाना लग गया है, ये मेरा यश, मम्मी का, पापा अंशु है, जुकाम भी लग गया मेरे को। अरे मम्मी मैं भी अपना भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरा बिना नमक का है इसीलिए। अच्छा आपका आपका बिना नमक का है? हाँ इसको तो और ना ओके तो दोनों साथ हो गया है। तो हम लोग में नमक डाले ना मेरे भी शायद नहीं डाला कोई डाल लेंगे। अरे वो सब्जी थी ना ये भी ले लेते। ये आप लोग खा लेना मैं नहीं खाऊंगा। हां स्वाद सब्जी थी आज दिन की तो अभी 10 बजने वाली है। अभी बज गए लगभग तो यहीं पे अभी ये निकाल लो ना मेरे लिए भी अभी निकाल दे ठीक है। हां अपने लिए अलग से बना दिया बिना नमक, हम लोग नमक लेते ना आटा में, मम्मी अब बिना नमक वाला। ये राजा मिर्ची खा खा मजा मजा कर। तो ठीक है अभी हम लोग सब खाना खा रहे हैं। तो अभी हो गया है 10:30 और सबका खाना हो गया है। और दिन भर कब लोग बनाए आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और ठीक है डेली देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।